हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C61 फ़ोन में आप लोग डबल टैप स्क्रीन ऑन कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C61 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको डबल टैप स्क्रीन ऑन करना है, अगर आपका पावर बटन जो वो ख़राब हो चुका है, तो आप लोग अपने इस फ़ोन के स्क्रीन को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर पावर बटन काम नहीं कर रहा है तो कैसे जो है आप लोग डबल टैप करके ही अपनी स्क्रीन को जो है ऑन ऑफ़ कर सकते हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डबल टैप स्क्रीन ऑन ऑफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, तो इस डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन का, तो इस लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस डबल क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर से ऑन कर देना है। और इसको ऑन करते ही देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे यूज़ करेंगे। डबल क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप टू टर्न ऑफ द स्क्रीन एंड लॉक द डिवाइस, मतलब आपका जो डबल टैप करेंगे आप लोग यहाँ पर किसी भी ब्लैंक स्पेस पे, तो आपका जो फ़ोन है गाइस वो लॉक हो जाएगा। और अगर अनलॉक करना है, मतलब जो है डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना है, तो यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको टाइप करना है स्मार्ट वेक। स्मार्ट वेक टाइप कीजिए, यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हैं मेरे फ़ोन में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। स्मार्ट वेक का ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने से लॉक स्क्रीन में जब आप लोग डबल टैप कर दोगे तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने रियलमी C61 फ़ोन में आप लोग डबल टैप स्क्रीन ऑन कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।